नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद श्रीवास्तव और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो गूगल एडसेंस ने आज बताने जा रहा हूँ, गूगल एडसेंस ने पॉपअप्स ऐड को बैन कर दिया है अपने सारे वेब ब्लॉग से। अब ब्लॉग पर या गूगल एडसेंस के पॉपअप ऐड अब नहीं आएंगे। तो गूगल ने अपनी पॉलिसी फिर से चेंज की है, गूगल एडसेंस ने फिर से अपनी पॉलिसी चेंज की है। जो गूगल एड्स पेजेस पे जो पॉपअप्स ऐड आते थे उसे अब कम्प्लीटली हटा दिया है गूगल ने। तो गूगल एडसेंस की तरफ से ये फेरबदल आज से शुरू हुआ है। तो गूगल एडसेंस ने अपनी पॉलिसी को चेंज करते हुए बताया कि वेबसाइट जो एड नेटवर्क गूगल एड नेटवर्क के अंदर आती है उसे अभी ये अनोइंग करने वाला ऐड जो पॉपअप ऐड होता है काफ़ी लोग यूज़र को काफ़ी अनोय करता है वो, क्योंकि उससे करंट विंडो के अंदर एड्स खुल जाते हैं, फिर यूज़र को फिर वो बैक करना पड़ता है, उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है यूज़र को और पब्लिशर को भी होती है। तो गूगल ने उसे फिर पॉपअप्स ऐड को और पॉप अंडर ऐड को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। इसकी घोषणा करते हुए पब्लिशिंग पॉलिसी कम्युनिकेशन के चीफ हेड जॉन ब्राउन ने बताया है कि द डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू हेल्प यूज़र एडवर्टाइज़र एंड पब्लिशर। मतलब कि ये एडवर्टाइज़र, पब्लिशर और यूज़र तीनों के लिए अच्छी न्यूज़ है। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।